तो भारत ने दूसरे वनडे में जबरदस्त वापसी की है और शानदार तरीके से भारत ने जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ जो तीसरा और निर्णायक मुकाबला बेहद खास हो चुका है। इस जीत के साथ भारत इस सीरीज में एक एक की बराबरी कर चुके हैं। इस मैच में श्रेयस अय्यर शतकवीर रहे तो किशन अपने शतक से चूक गए। क्या कुछ रहा है इस पूरे मुकाबले के अंदर, देखिए खास रिपोर्ट। टीम इंडिया ने तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया है। रांची में मिली जीत के साथ ही भारत सीरीज में एक एक की बराबरी हासिल कर चुका है। साउथ अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टूर जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 278 रन बनाए। सबसे ज्यादा रन एडन मार्करम के बल्ले से निकले, उन्होंने 89 बॉलों में 79 रन की पारी खेली। वहीं रीजा हेंड्रिक्स ने 76 बॉलों में 74 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए आखिरी ओवर में एक बार फिर डेविड मिलर ने अच्छी बल्लेबाजी की और 35 रन बनाए। भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए। वहीं वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर को भी 1-1 विकेट मिला। जवाब में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की शानदार पारियों के दम पर टीम इंडिया को जीत नसीब हो गई। अय्यर ने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा। उन्होंने 111 बॉलों पर का सामना करते हुए 113 रनों की शानदार मैच जिताव पारी खेली। तो वहीं ईशान ने भी मैच में 93 रन की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 7 छक्के निकले। दोनों के बीच 161 रनों की एक ऐतिहासिक साझेदारी हुई। संजू सैमसन ने भी 30 रन का योगदान दिया। आपको बता दें भारत के लिए कई मोमेंट रहे हैं। दूसरे वनडे में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने ग्राउंड में धमाकेदार पारी खेली है। 84 बॉलों में 93 रन बनाए हैं। इस दौरान 4 चौके 7 छक्के निकले। 7 रन से वे अपने पहले इंटरनेशनल शतक से वो चूक गए। ईशान श्रेयस के साथ 155 बॉलों में 161 रन की साझेदारी उन्होंने निभाई। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।